फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहला जो टॉपिक आता है आपको पहला चैप्टर का, व्हाट इज फिजिक्स। Human have always been curious about the world around them. Human का हमेशा से curiosity रही है संसार को जानने की, उसकी होने वाली घटनाओं के बारे में जानने की, जैसे कि annual cycle of season, eclipses, the tides, the volcano, the rainbow have always been a source of wonder. नाइट और स्काई का होना, डे एंड नाइट का होना, ऑर्बिटल मोशन प्लैनेट्स का, मून का अर्थ के अराउंड रोटेशन करना, ये सारी एक ऐसी घटनाएं हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में आती हैं, फिजिक्स के अंदर आती हैं। तो फिजिक्स को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो फिजिक्स है Physics is the study of nature and its law. बहुत सारे लॉ बनते हैं, उनको प्रिडिक्ट करा जाता है और फिर उनमें करेक्शंस होते हैं बहुत सारी, और नेचर्स में होने वाली जितनी भी फिनोमेना है, जितने भी नेचुरल फिनोमेना है, उन सबको हम फिजिक्स के थ्रू समझते हैं और पढ़ते हैं। और फिजिक्स को समझने के लिए हम एक साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। तो अगर हमें फिजिक्स को अच्छे तरीके से समझना है तो उसमें एक टॉपिक आता है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स के, जैसे कि ग्रेविटेशनल लॉ है, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। और ग्रेविटेशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? According to the gravitation law, the force of attraction between two masses is the proportional of the product of two masses and inversely proportional the square distance. अभी इस लॉ को मैंने एक रिटर्न फॉर्म में लिख लिया है,
इसकी रिटर्न में लिखने का जो मेथड है वो उसे समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम इसे मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखें तो वी कैन रिटन एज एफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज द प्रोपोर्शनल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, प्रोपोर्शनल ऑफ द टू मासेस। सपोज टू मासेस इज एम वन एम टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर डिस्टेंस इतने सारे जो लिखा हुआ था उसे हमने एक मैथमेटिकल फॉर्म में बहुत ही सिंपल फॉर्म में लिख लिया है ना, ये मज़ेदार है ना, ये मैजिक। उस तरह से समझो कि मैथमेटिक्स जो है एक लैंग्वेज है, किसकी? फिजिक्स की। तो अगर हम एक लाइन में लिखें तो अगर हम एक लाइन में कहें तो हम एक लाइन में क्या कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स है क्या? पहले फर्दर द टेक्निक ऑफ मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स सच एज एलजेब्रा कॉमा ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस, कैलकुलस जिसके अंदर हम इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं, कैन बी यूज्ड टू मेक prediction from the basic equation. Prediction from the basic equation. So thus mathematics is the language of physics. इसका मतलब ये है कि मैथमेटिक्स जो है वो लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है, और बिना मैथमेटिक्स के, विदाउट मैथमेटिक्स ऐसा है कि इसको समझना, एक्सप्लेन करना, कुछ नई चीज को रिसर्च करना, डिस्कवर करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो फिजिक्स को समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम एक गुड फिजिसिस्ट बन सकते हैं, किसी भी लॉ ऑफ नेचर को जान सकते हैं। क्योंकि अगर हम फिजिक्स के जितने भी लॉ पढ़ें, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पिछली क्लास में जो भी आपने पढ़ चुके हो, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, तो आपने उन सब को एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म में जानना किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ईजी है।